हाँ गाइज, बीपीएससी फुल एंड टेस्ट 12 कंप्लीट हो गए थे और टेस्ट नंबर 13 आगे चलिए देखते हैं इसको। निशांतता किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की। निशांतता विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से अंधा रोग हो जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन B1 का थायमिन रासायनिक नाम है और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी आंवला नींबू संतरे में पाया जाता है और विटामिन डी कैल्सीफेराल है इसका रासायनिक नाम और विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन ए से अंधा रोग, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951-52 में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में निर्वाचन आयोग आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। भारत में निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में उल्लेख है, 324 से 329 तक में उल्लेख है और आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और समाप्ति के बाद भी वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 56 पद ग्रहण से संबंधित है और आर्टिकल 55 जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन संबंधित है राष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल और आर्टिकल 113(3) में किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं। आर्टिकल 113 में, आर्टिकल 113(3) में किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए आर्टिकल 113 और आर्टिकल 123 और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 213, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के लिए आर्टिकल 213 और राष्ट्रपति के लिए 123। क्वेश्चन नंबर चौथा, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिक शास्त्र के लिए। भौतिक शास्त्र के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आइंस्टाइन को भी, उनको भी भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, वसंत विशु कब होता है? 21 मार्च को। वसंत विशु 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां, भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? पूर्व के। भारत प्रधान यामोत्तर के पूर्व की ओर पड़ता है और 5.5 घंटे आगे होता है। क्वेश्चन नंबर सातवां, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? अशोक ने। अशोक भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया और 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है जिसमें अशोक ने नैतिक आचार संहिता अपना ली थी। और क्वेश्चन नंबर सातवां, आठवां, हड़प नीति का सृजक कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। हड़प नीति के सृजक लॉर्ड डलहौजी थे और लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत की और उन लॉर्ड कार्नवालिस ने ही सिविल सेवा के जनक थे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9वां, ताप्ती नदी किसमें गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा? पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरा चौरी कांड जुड़ा था? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी कांड जुड़ा था। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, और रौलट एक्ट 1919 को हुआ था। रौलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और चौरा चौरी कांड 1922 में, जिसमें पुलिस थाने को पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। और नील आंदोलन 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? एच ए बेकुरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज बेकुरल ने की थी। मैडम क्यूरी और पी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। और चैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। टॉमसन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने की थी। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज की थी। इसका फार्मूला होता है ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन ने खोज की। ईटा हो गया, फिर पर से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, फिर नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इसका ट्रिक होता है ईटा पर नाच। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? 19। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, और मूल अधिकार जो है भाग 3 में 12 आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता टर्म लिया गया है, और समर्थी सूची व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 20 में दोष के विरुद्ध संरक्षण, मतलब कि जैसे कोई अपराध नहीं किया है, मान लीजिए कोई पुलिस है उसको पकड़ ले गया, तो वो अपने मतलब साबित करने के लिए वो अपना मतलब सबूत पेश कर सकता है आर्टिकल 20 में, और किसी एक अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। विटामिन जो है एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण है मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? सेलेनियम। सेलेनियम जो है प्रकाश ऊर्जा से शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्थिर का नियंत्रण करना। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य रक्त में चीनी के स्थिर का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान है संघीय है? भारतीय संविधान संघीय है। और भारत में राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं।
और भारतीय संविधान से संबंधित कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होता है। और आर्टिकल 64 एवं आर्टिकल 89, मतलब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, और सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। उसे उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में निर्णायक मत देने के अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और राज्यसभा को वह सदस्य नहीं होता है और मतदान का अधिकार उसे नहीं होता है। और आर्टिकल 64 में मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और निर्वाचन में मत। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धनात्मक अधातु है हाइड्रोजन। धनात्मक अधातु है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21, ताबा एल्युमिनियम की अपेक्षा चालक है क्योंकि ताबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। ताबा जो है एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि ताबे का जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है। जिसका जो प्रतिरोध कम होता है उसका जो चालकता होती है सबसे अच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 22, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? कोणधारी। हिमालय का चीड़ का वृक्ष कोणधारी वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा आर्टिकल 39 क में। और आर्टिकल 38 में राज्य जो है लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और आर्टिकल 39 ख में है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 ख में मतलब कि सार्वजनिक जो धन का नियंत्रण इस प्रकार करना कि सब लोगों का साधन हो सके, मतलब सबके फायदे में हो सके। और 39 क में समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 ग में धन का समान वितरण, और 40 में ग्राम पंचायत का गठन, और आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मानोचित दशाओं का प्रसूति सहायता को बंद। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद। और आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, और 46 में अनुसूचित जातियों जनजातियों दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि, और आर्टिकल 47 में पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, और 48 में कृषि संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 क में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु के संरक्षण, 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वृद्धि, और 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, मतलब प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना 350 क में, और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना। फिर से एक बार देख लेते हैं,
जैसे आर्टिकल 38 है, तो राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 क में सामान्य सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, ख में पैसा पैसों को नियंत्रित कर मतलब सामाजिक सामाजिक व्यवस्था में लगाना जो सबके हित में हो, और ग में 39 ग में धन का समान वितरण, और 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में मतलब कुछ दशा में जैसे काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, 41 में 42 में काम की न्याय संगत मानुषिक दशाओं का प्रसूति सहायता ग्रुप बंद है, 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, और 44 में एक समान सिविल संहिता, 46 में जातियों जनजातियों दुर्बल वर्गों के अर्थ हितों संबंधी की अभिवृद्धि, और 47 में पोषाहार स्तर जीवन, 48 में कृषि पशुपालन, 48 क में पर्यावरण, और 49 में राष्ट्रीय महत्व जैसे राष्ट्रीय महत्व कला स्मारकों का संरक्षण, 50 में कार्यपालिका के न्यायपालिका पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि, और 350 क में जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है मातृभाषा में देना, और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी दीवाने रियासत के नियंत्रणाधीन थी। क्वेश्चन नंबर 26, जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान दीवाने खैरात की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स को। हेस्टिंग गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद अल मिलाद उल नबी। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद अल मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु है व्याकरण, और अष्टाध्यायी की पाणिनि द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मंगोलायड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है जो दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? मुड़ी हुई तिरछी आंखें। मंगोलायड प्रजाति की प्रमुख विशेषता मुड़ी हुई तिरछी आंखें हैं जो अन्य प्रजातियों से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी है। कोसी नदी जो है अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 32, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर संगमरमर करवाया। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। विश्व भर में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। आजकल एग्जाम में बहुत हार्ड हार्ड पूछे जा रहे हैं, जो कभी किसी ने सुना ही ना हो। और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमेटेरियन डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस मनाया जाता है, और 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस, 28 सितंबर को रेबीज दिवस, 29 को हृदय दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस, और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस,
और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज सिविल सेवा दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस और 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 12 मार्च को कॉमनवेल्थ दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। एक बार फिर रिवीजन करते हैं, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 13 फरवरी को रेडियो दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 3 मार्च को वन्यजीव दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 12 मार्च को कॉमनवेल्थ, 15 को उपभोक्ता दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 19 अगस्त को ह्यूमैनिटेरियन दिवस, 21 सितंबर को, 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस और 28 सितंबर को रेबीज दिवस, 29 सितंबर को हृदय दिवस, शांति दिवस 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय विषुवत रेखा पर का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर चुंबकीय कोण 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था? 1955 में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। भाग दो में आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 37, पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? गुप्त काल में। पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष नहीं है। आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर जो मतलब सीधे डायरेक्ट लगते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आयकर हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, यह सब प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, GST अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 39, जापान की कला इकेबाना संबंधित है? पुष्प सज्जा से। जापान की कला इकेबाना पुष्प सज्जा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित है और धन विधेयक आर्टिकल 110 में संबंधित है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किया जाता है जबकि राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों के लिए रखा जाता है और राज्यसभा उसे पारित करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकसभा को पूरी शक्ति सिर्फ लोकसभा में होती है और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 213 में और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 में और आर्टिकल 42 में एक समान सिविल संहिता और 49 में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान है उनका संरक्षण, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 41, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की थी। क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रास्फीति का कारण होता है उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। मुद्रास्फीति जब होती है या महंगाई जब बढ़ती है, जब माल की कमी हो जाती है और मुद्रा पूर्ति में बढ़त हो जाती है, ज़्यादा पैसा देकर कम सामान खरीदी जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और दिल्ली में लोरस मंदिर। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। हड़प्पा वासियों द्वारा धातु और बहुमूल्य पत्थर थी।
क्वेश्चन नंबर 45, किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? हेमचंद्र को। हेमचंद्र को 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं था? सम्यक आजीवक, यह भागवत गुण धर्म नहीं था, सम्यक आजीवक बौद्ध धर्म संबंधित था। बौद्ध धर्म प्रथम उद्देश्य सारनाथ में दिए थे, मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी, और भागवत धर्म का अंग दान है, आर्जव है, अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 47, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और कांग्रेस इन विभाजित गुटों के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ था? लखनऊ समझौते 1916 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से विभाजन हुआ था, और कांग्रेस दो गुटों में के बीच पुनः एकीकरण लखनऊ 1916 में हुई थी, लखनऊ समझौते 1916 में। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, और पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 को NM जोशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में किसे प्रमुख पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा को पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, बी कमिंग किसकी आत्मकथा है? मिशेल ओबामा की। बी कमिंग मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किस देश के कुछ भारत यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तुर्की। तुर्की देश के कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को एक गर्म जलधारा है जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मधुमेह रोग संबंधित है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से मधुमेह रोग संबंधित है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है क्षारी, और pH इसका 7.4 होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त क्षारी होता है, pH 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यक्ष्मा का रोगाणु है। क्वेश्चन नंबर 55, दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जमता है दही के रूप में। कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। पीलापन दूध का कैरेटीन के कारण होता है, और दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 56, झोंका एक चर्चित रोग है या निम्नलिखित में से किस फसल संबंधित है? धान से। झोंका एक चर्चित रोग है या धान से धान फसल संबंधित है, और धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम तत्व सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के बीच मध्यकरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में। प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्यकरी का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 59, किस शिव गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया? गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 4। RBI में डिप्टी गवर्नर के स्वीकृत पदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 61,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8.19 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.19 मिनट में पहुंचता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 2 पॉइंट समथिंग करके पहुंचता है, 3 मिनट लगभग। क्वेश्चन नंबर 62, एस्किमो जनजाति का आवास कहलाता है इग्लू। एस्किमो जनजाति का आवास इग्लू कहलाता है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा में निवास करते हैं। इग्लू को बर्फ का घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली जिले में स्थित हैं, 540 BC में। क्वेश्चन नंबर 64, मृगनयनी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। मुंशी प्रेमचंद के गोदान और गबन है और रविन्द्रनाथ टैगोर के पोस्ट ऑफिस और बंकिम चंद्र चटर्जी के दुर्गेश नंदिनी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला देश था अमेरिका। चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला अमेरिका देश था। अपोलो 11 के तहत गया था पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने। और इंडिया जो है 2008 में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 66, एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है वायु वेग मापन में। वायु वेग मापन में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है और रक्त को स्फिग्नोमैनोमीटर में प्रयोग किया जाता है और वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मनुष्य अपने रक्त का कितना % दान में दे सकता है? 10%। मनुष्य अपने रक्त का 10% दान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति निम्नलिखित में कौन है? काकेशस। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति काकेशस है और मंगोलॉयड एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 69, सोने का आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय तांबा धातु मिलाई जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 71, ग्रेगर मेंडल निम्न में किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? अनुवांशिकता के नियम मेंडल प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निद्रा रोग पैदा करती है ट्रिपैनोसोमा द्वारा निद्रा रोग पैदा करता है जो प्रोटोजोआ संबंधित है। और HIV रोग वायरस द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 263। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में किसका सही सुमेलन नहीं है? तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता, यह गलत है। स्वजीवी उत्पादक लाइकेन है, परोपजीवी उपभोक्ता और मृतोपजीवी व्यूबंधक मैनेजर बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 75, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र है। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं और 75 क्वेश्चन अगले वीडियो में दिया जाएगा। और कुछ हिस्ट्री के डेट संबंधी देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को। हंटर कमेटी रिपोर्ट 28 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 10 दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 हुआ था मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। सायमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन सायमन की अध्यक्षता में।
साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था, और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 को, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को, आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा, और आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे, और हिंद फौज के रास बिहारी बोस थे 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में अंबेडकर द्वारा। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में गांधी द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी, और खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने किया था, और राष्ट्रीय सेवक स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छब्बीलाल दास और यशपाल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एनएम जोशी ने किया। और नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को, और भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को गांधी द्वारा, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, और पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, और जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एनएम जोशी द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एनएम जोशी द्वारा किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था। तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में गांधी ने भाग लिया था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। थैंक यू सो मच।